हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी इतना कॉमन वर्ड है, इतना ज़्यादा प्रचलित है कि बहुत से लोग प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, कई लोग प्रेगनेंसी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और कई लोग इसमें अटक जाते हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो अब आप क्या करेंगे। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपसे इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि यदि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है या मिस्ड एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई है, या आपको अभी प्रेगनेंसी के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है फिर भी आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी कि आप आगे क्या करेंगे। यदि आपको एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज संभव है, बशर्ते कि आप सही डॉक्टर के पास यानी कि स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी नीम हकीम या किसी नर्सिंग स्टाफ या अनट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाकर आप अपना इलाज ना कराएं। हमेशा MS गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च करें, नियर बाई जो भी गायनिक्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उनसे जाकर अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। हर चीज़ का इलाज अवेलेबल है और प्रेगनेंसी आपको नहीं चाहिए तो डेफिनेटली इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो रेडिली अवेलेबल ऑप्शन है वो मेडिकल अबॉर्शन है, यानी कि आप MTP किट खा सकती हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि सर्जिकल अबॉर्शन, यानी कि आप सर्जिकल DNC करवा सकती हैं जिसमें कि डॉक्टर आपकी सफाई कर देते हैं एक तरीके से। तो दोनों ऑप्शन ईजीली अवेलेबल हैं, अनमैरिड लोगों के लिए भी अवेलेबल हैं, मैरिड लोगों के लिए भी अवेलेबल हैं। गर्ल्स किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं और अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक ऑप्शन आप चुन सकती हैं। कोई भी डॉक्टर आपको अबॉर्शन की सेवाएं देने से, फैसिलिटी देने से मना नहीं करेंगे। ये आपके स्वास्थ्य के हित में ही होगा कि आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर सलाह लीजिए। कई बार हम लोगों के मन में ये डर होता है कि हम किसी गायनेक के पास जाएंगे और वो हमसे ठीक से बात नहीं करेंगे या हमें कुछ और बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर का काम है उसका मरीज़ देखना और वो डेफिनेटली, हम सब समझते हैं कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसके लिए घबराने और शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा डॉक्टर के पास जाकर सलाह लीजिए और ईजीली अवेलेबल मेथड्स हैं, जो कि मेडिकल अबॉर्शन होता है जिसमें कि 5 गोलियां आती है, किट आता है जिसमें 1 गोली आपको स्टैट खानी होती है और 4 गोलियों में से 2-2 गोलियां करके आप 24 घंटे के अंतर पर खा सकते हैं। इन गोलियों के अपने इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको समझा देंगे, और हमने इनका एक अलग से पूरा लंबा वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि MTP किट को लेने का सही तरीका क्या है और कैसे लिया जाता है। और जो दूसरा तरीका है सर्जिकल अबॉर्शन, वो भी सेफ होता है, बेहोशी देकर किया जाता है, हॉस्पिटल सेटिंग में किया जाता है, 4 से 6 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है, लेकिन ये 100% क्लियर होता है कि इसमें 100% आपके सफाई हो जाती है और आगे किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता है। सफाई कराने से पहले या अबॉर्शन कराने से पहले ये ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं, बार बार इस बात को बताते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी हो तो पहले ये कन्फर्म कर लीजिए कि प्रेगनेंसी कहीं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि यदि आपको प्रेगनेंसी में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। बच्चा यदि ट्यूब के अंदर या बच्चेदानी के बाहर किसी भी हिस्से में लग जाता है तो वो आप ट्यूब फट सकती है, आपको पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में लैंडअप ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए, सोनोग्राफी करवा लीजिए, अपना बेसिक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, और फिर जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको मेडिकल अबॉर्शन आपके लिए रिक्वायरमेंट है या फिर आपको सर्जिकल अबॉर्शन की रिक्वायरमेंट है, जो भी वो आपको सलाह देते हैं उस हिसाब से आप आगे फॉलो कीजिए। और हमेशा MTP किट ट्रेंड प्रोफेशनल यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से ही लीजिए। मेडिकल स्टोर्स पर भी इलीगल तरीके से मेडिसिन किट बेचे जाते हैं, बट वो वैलिड नहीं है। हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो जाए, फिर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाएँ और आपको तकलीफ हो जाए, तो ये कई स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जो जानलेवा साबित हो जाती हैं। हम ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि हम हर तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं, इमरजेंसी वाले भी आते हैं, ब्लीड करते हुए भी आते हैं, कई बार डाइंग सिचुएशन में भी आते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसा मरीज़ कि जो कोई भी स्थिति बहुत शुरुआती अवस्था में बहुत इजीली मैनेजेबल होती है और वो ऐसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास पहुंचता है जहां उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, तो हमें भी दुख होता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी लेडी ऐसी किसी स्थिति में लैंडअप करे जहां उसको जान के लाले पड़ जाएं। MTP किट को लेने के सही तरीके का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकती हैं। इसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसी में और क्या क्या तरीके से आप अपना अबॉर्शन के तरीके
का भी एक वीडियो है हमारा, वो भी आप जाकर देख सकती हैं। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक